We have been programmed like a computer. हमें प्रोग्राम कर दिया गया है एक कंप्यूटर की तरह। हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारे कार्यों में, हमारे पूरे अस्तित्व में यही भर दिया गया है कि देयर इज ओनली वन लाइफ टाइम, एंजॉय इट। एक ही जीवन है, मजा करो। पैसा कमाना, शक्तिशाली बनना और मजा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसे पाने के लिए अगर गलत भी करना पड़े तो वो गलत नहीं, क्योंकि एक ही जीवन है और मजा करना जीवन का लक्ष्य है। अगर मेरे पास पैसा है, पावर है और मैं कानून और समाज से बच निकल सकता हूं तो मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे कोई रोकने या दंड देने वाला नहीं है। मुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है। एक ही जीवन है और फिर सब खत्म। आज पूरा समाज, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, इस ही दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं कि यही एक जीवन है और जो करना है इस ही जीवन में करना है। पर क्या यह सत्य है? Is it a fact that there is only one lifetime? क्या वास्तव में एक ही जीवन है? क्या इस जीवन के बाद और कुछ नहीं? यदि एक गुनहगार समाज और कानून से बच निकले तो क्या वह जीवन के अंत तक किसी को उत्तरदायी नहीं और उसे अपने किए की सजा कभी नहीं मिलती? जीवन के इस ज्ञान का एक और दृष्टिकोण है और वो है पुनर्जन्म। आज से 30 साल पहले सिर्फ 5% अमेरिकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आज 65% से ज्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ऐसे किस्से तक बताए उसने जहां की पिछले जन्म में व्यक्ति को गोली लगी थी, इसे वो मरा। अगले जन्म में जो बर्थ मार्क उसी जगह था जहां गोली लगी। अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती। जब उसको होश में वापस लाया गया तो उसने सब बताया, कैसे उसके शरीर को उठाया गया, कैसे उसको स्ट्रेचर पे रखा गया, कैसे ले जाते समय जब एम्बुलेंस में डाले तो शरीर जो था वो स्लिप हो गया, तो वैसे वापस कैसे चढ़ाया, ये सब कुछ उसने बताया। वेद कहते हैं आत्मा, कुरान कहती है रूह और बाइबल कहती है सोल। जब 250 साल पुराना मैप देखा तो उसमें इस जगह का नाम था जो कि बदल गया था। हम शरीर नहीं, आत्मा। पुनर्जन्म एक सिद्धांत जिसके अनुसार शरीर के मर जाने के बाद हम एक नया शरीर धारण करते हैं, जिसे हम जन्म कहते हैं। परंतु क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक सबूत है या समाज का एक धार्मिक वर्ग ही इस पर विश्वास करता है? जी हाँ, पुनर्जन्म के वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपको चौंका देंगे। विश्व भर में फैले हुए ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर शोध किया है और उस पर अनेकों किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें से सबसे विख्यात है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में 50 वर्षों तक बतौर एमडी काम कर चुके डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जिन्हें 1964 में जेरोक्स प्रक्रिया के आविष्कारक मिस्टर चेस्टर कार्लसन ने पुनर्जन्म पर शोध करने के लिए $10 लाख दिए थे। और डॉक्टर स्टीवनसन ने पूरे विश्व में घूमकर पुनर्जन्म की हजारों घटनाओं को उजागर किया जो पुनर्जन्म को बड़ी ही स्पष्टता से सिद्ध करती हैं। पुनर्जन्म को पूर्णतया सिद्ध करने वाली घटनाएं वे मानी जाती हैं जिनमें छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की परिस्थितियां याद रहती हैं और इन परिस्थितियों की पुष्टि बड़ी ही सरलता से की जा सकती है। आज हम आपके सामने पुनर्जन्म की ऐसी ही अत्यंत रोचक घटनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। एक 3 साल का बच्चा अपने ही हत्याकांड को कैसे सुलझाता है? सीरिया देश की सीमा पर स्थित गोलन हाइट्स नामक गांव में ड्रूज समुदाय के एक 3 साल के बच्चे का कहना है कि उसे खुद की हत्या याद है। यह 3 साल का बच्चा जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं गया, इन गांव वालों को उस गांव में ले गया जहां वो रहा करता था। बच्चे ने अपना पिछला नाम भी बताया। इस नाम के बारे में जब इन गांव वालों से पूछा गया तो गांव के एक सदस्य ने बताया कि इस नाम का एक व्यक्ति 4 साल पहले गुमशुदा हो गया था, जो आज तक नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों में डॉक्टर इलाई लैश को भी शामिल किया गया था, जो गाजा में सरकारी चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर लैश ने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। गांव का भ्रमण करते वक्त बच्चे ने एक घर की ओर इशारा करते हुए इसे अपना घर बताया, जहां वह रहा करता था। और फिर अचानक बच्चे ने एक आदमी की ओर बढ़ते हुए उसे उसके सही नाम से बुलाया और बोला, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था और एक दिन हमारे बीच झगड़ा हुआ और तुमने मुझे एक कुल्हाड़ी से मार डाला था। इस वक्त डॉक्टर लैश ने देखा कि इस व्यक्ति का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था और वह बहुत ही संदेहजनक बर्ताव करने लगा। और फिर बच्चे ने कहा, मैं यह भी जानता हूँ कि इसने मेरे शरीर को कहाँ दफनाया था। तब वह गांव वालों को ठीक उसी स्थान पर ले गया जहां उसके शरीर को दफनाया गया था। गांव वालों ने उस जगह पर खुदाई शुरू की और वहां से एक कंकाल बरामद हुआ, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। कंकाल के सर पर किसी प्रहार का एक गहरा निशान था, जो ठीक उसी जगह था जहां इस बच्चे के सर पर जन्म चिन्ह था। बच्चे का कहना था कि उसे एक कुल्हाड़ी से सर पर प्रहार करके मारा गया था और फिर यह बच्चा गांव वालों को उस जगह पे ले गया जहां उसके अनुसार कुल्हाड़ी को छिपाया गया था और उस जगह भी एक कुल्हाड़ी को खोद निकाला गया। तब यह संदिग्ध व्यक्ति बहुत घबरा गया और उसने अपना गुनाह स्वीकार किया और जिसके लिए स्थानीय न्यायालय ने उसे सजा सुनाई। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घटित पुनर्जन्म की इस घटना को। पश्चिमी अमेरिका में स्थित ओहायो राज्य में रह रहे 5 साल के बच्चे ल्यूक रूलमैन का कहना है कि पिछले जन्म में वह एक 30 साल की औरत था, जिसका नाम पैमेला रॉबिन्सन था, जो शिकागो की निवासी थी। बचपन से ही ल्यूक पैम नामक स्त्री का नाम लिया करता था। जब ल्यूक अपनी माँ के झुमके देखता था तो कहता था, ऐसे झुमके मेरे पास भी थे। जब ल्यूक से पूछा गया ये पैम कौन है तो ल्यूक ने बताया, मैं ही पैम था और मैं मर गया था। ल्यूक ने बताया कि उसकी मृत्यु पैक्सटन होटल में आग लग जाने पर अपने कमरे की खिड़की से कूद जाने से हुई। जब खोजकर्ताओं ने इस विवरण की पुष्टि करनी चाही तो यह सब सत्य साबित हुआ। 1993 के मार्च महीने में पैक्सटन होटल में आग लगी थी, जिसमें 19 लोगों के मर जाने की पुष्टि हुई थी और इसमें 30 साल की पैमेला रॉबिन्सन का भी नाम था, जो खिड़की से कूदकर मर गई थी। पुनर्जन्म की इन रोचक घटनाओं पर आप हमारी वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। www.givegita.com/proof of reincarnation। आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस प्रकार के 1200 मामलों को उजागर किया है। इन घटनाओं से कुछ बातें स्पष्ट रूप से साबित होती हैं। पहला, पुनर्जन्म एक ठोस सत्य है और हम सबका पुनर्जन्म होता है और पहले भी होता आया है। दूसरा, हम शरीर नहीं कुछ और हैं, जो इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाते हैं और नए नए शरीर धारण करते हैं और भगवद गीता के अनुसार इसे आत्मा कहते हैं। बाइबल के अनुसार सोल और कुरान के अनुसार इसे रूह कहा जाता है। परंतु क्या आप कभी सोचते हैं क्यों कुछ लोग बहुत ही गरीब घर में पैदा होते हैं और कुछ अमीर परिवारों में। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ बच्चे विकलांग क्यों पैदा होते हैं और अन्य बच्चे पूरी तरह स्वस्थ? कई बार अधिक प्रयास करने पर भी कम फल प्राप्त होता है और कई बार कम प्रयास पर अधिक फल मिलता है। बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इन प्रश्नों का मात्र एक ही उत्तर हो सकता है और वो यह है कि कुछ नियम हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आपको अपने कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल प्राप्त हो। आखिर क्या है ये नियम? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म इस ही परिवार में क्यों हुआ, किसी और परिवार में क्यों नहीं? आपका अगला जन्म क्या होगा? आप मनुष्य बनेंगे या पशु? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया को क्यों बनाया गया? आपके शरीर को क्यों बनाया गया? क्या इस मानव शरीर का, इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? आज इस पृथ्वी पर करोड़ों स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे, उच्च स्तरीय शिक्षाएं होंगी, परंतु जीवन के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इनमें से किसी के पास नहीं है। पर सौभाग्य से ऐसा एक विज्ञान है जिसमें इन प्रश्नों के एवं ऐसे कई अधिक प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं, जिसे वैदिक आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं और विश्व विख्यात ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को आध्यात्मिक विज्ञान का सार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को संसार के बहुत से प्रमुख विचारकों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने माना है। आइए देखते हैं इनमें से कुछ का क्या कहना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक महान अमेरिकी लेखक, निबंधक एवं यूनिटेरियन मिनिस्टर कहते हैं, भगवद गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर एवं तर्कयुक्त। एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज़ जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। ऑल्डस हक्सली एक उपन्यासकार, समीक्षक एवं दार्शनिक कहते हैं, पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवद गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर कहते हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूँ। भगवद गीता समस्त उपनिषदों का सार है, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भारतवर्ष में उपलब्ध इस महान वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व ने सराहा है, परंतु हम भारतीय इस महान विज्ञान को आखिर क्यों भूल गए? सन 1835 में ब्रिटिश सरकार से भारत के दौरे पर आए लॉर्ड मैकॉले ने एक पत्र लिखा था जिसमें भारत के पतन का उत्तर है। उन्होंने लिखा, मैंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की, न ही मुझे कोई भिखारी मिला और ना ही चोर। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता, ऐसी नैतिकता और ऐसा साहस देखा है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब हम इस देश के आधार को जड़ से समाप्त कर दें जो इनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इनकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं संस्कृति को नष्ट कर दें, क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लग जाए कि जो भी पाश्चात्य से आया है वह श्रेष्ठ है, तो वह अपना स्वाभिमान खो देंगे और वह बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। आज यह पूरी तरह सफल हो चुके हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की महानता को पहचानें, इस ज्ञान को समझें और दूसरों को समझाएं। और गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की स्थापना इस ही एकमात्र उद्देश्य से हुई है। आइए हम गीता क्रांति में साथ जुड़ें, हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हर हिंदू का घर सिर्फ एक घर ना हो, अपितु गीतालय हो। गीता का घर हो जहाँ गीता का पालन किया जाए। You can subscribe for daily spiritual clips on WhatsApp and email at www.givegita.com/subscribe. You can also watch our lectures on Disha TV channel or on our website www.givegita.com/tv every Sunday morning at 8:10 a.m. Get world's first audio video correspondence course on Bhagavad Gita, a very logical, scientific and easy to understand explanation on Bhagavad Gita. You can get the DVD set of our correspondence course at our eBay portal at www.bit.ly/giveebay or you can mail us at contact@givegita.com.